गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ये देखना है, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के आगे एक वर्ड लगा है, दैट इज कौन सा वर्ड लगा है वहाँ पे? वहाँ पे वर्ड लगा है मैग्नेटिक। दैट मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी आपको तब एग्जिस्ट करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ रखते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं, हम उसको रखते हैं किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। देन इट पजेस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशन। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब वो मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट होता है, यानी कि मूव होता है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल के पास में जो एनर्जी आती है दैट इज योर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हम यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू, और उसका रिलेशन होता है माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये उसका रिलेशन होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट के लिए एम और बी किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एम और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे ए मैग्नेटिक डाइपोल। आपने क्या लिया? एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया, ठीक है। इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब उसको किसमें रख दिया? किसमें रख दिया आपने मैग्नेटिक डाइपोल को? आपने मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया किसमें? इट इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। देन इट पजेस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल के पास में कौन सा एनर्जी आ जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। किसके पास में? मैग्नेटिक डाइपोल के पास में, ठीक है। कब आएगा मैग्नेटिक डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी? जब मैग्नेटिक डायपोल आप किस में रखेंगे? व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और किसकी वजह से? ड्यू टू ओरिएंटेशन इन ए फील्ड, ठीक है। जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस समय पे मैग्नेटिक डाइपोल के पास में क्या रहेगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। सो नाउ यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, दी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, दी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज गिवन बाय, ठीक है। जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नेटिक डाइपोल का वो कैसे लिखा जाता है? यू इक्वल्स टू माइनस
वेक्टर m डॉट वेक्टर b, ये आपका रिलेशन होता है, दिस इज योर कैपिटल U, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर ये माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। m डॉट b, ये दो वेक्टर हैं जिसमें से m आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और b आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का ये वेक्टर प्रोडक्ट और इस डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां पर ये आएगा माइनस एज इट इज, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा एम बी कॉस थीटा, ठीक है। और फाइनली आपके पास में क्या रिलेशन बनेगा, यू का यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है बताइए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये किसके बीच का एंगल है बताइए, डाइपोल मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b, ठीक है, इनके बीच का ये यहाँ पर क्या है, एंगल है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर अभी हमें लेना है स्पेशल केसेस, ठीक है। अब ये स्पेशल केसेस में पहला केस जो है ये अभी हमको यहाँ पर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो थीटा एंगल है ये जीरो है, इफ थीटा एंगल इक्वल्स टू जीरो डिग्री, ठीक है। सो यू इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा की जगह जीरो डिग्री पुट अप किया, नाउ कॉस जीरो का वैल्यू वन है, सो देयर फोर यू इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस एम बी, ठीक है। मतलब u जो है उसका वैल्यू क्या आया, माइनस एम बी, ये u का वैल्यू आया जो कि निगेटिव है। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर m एंड वेक्टर b, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अगर एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं, तो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी, यानी डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जब ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम होती है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इन ए मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन वेक्टर एम यानी कि डाइपोल मोमेंट और यहां पर वेक्टर बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एक दूसरे को क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, देन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा किसका, मैग्नेटिक डाइपोल का, वो मिनिमम होगा, इज मिनिमम, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जब वेक्टर m एंड वेक्टर b यानी डाइपोल मोमेंट m एंड वेक्टर b यानी मैग्नेटिक फील्ड b, ये जब एक दूसरे को क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका वेक्टर एम, ठीक है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका यहाँ पे वेक्टर बी, ये एक दूसरे को पैरेलल दिखाई दे रहे, सो देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम,
ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया जब मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जब पैरेलल रहते हैं तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरा केस हम लेते हैं, मान लीजिए कि थीटा इज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना है आपका 180 डिग्री है। ठीक है, अगर आपका थीटा 180 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा, यू इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा की जगह होगा 180। अब कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन होता है, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन होता है, और यहां पर ये माइनस एम बी कॉस 180 का वैल्यू माइनस माइनस इनटू माइनस यानी कि प्लस, यानी आपका जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आया एम इनटू बी, यानी वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 एंगल कब आएगा, थीटा एंगल 180 कब है, जब वेक्टर एम और वेक्टर बी इनके बीच का एंगल 180 है। इसका मतलब कि डाइपोल मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड बी ये एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। तो जब एम और बी एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं तो ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तब मैक्सिमम होती है। तो आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसमें वेक्टर एम एंड वेक्टर बी डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जब ये एक दूसरे को क्या रहते हैं, एंटी पैरेलल रहते हैं, आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं, देन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसका, मैग्नेटिक डाइपोल का, वो मैक्सिमम रहता है, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज मैक्सिमम, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा जब डाइपोल मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड बी एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आपका वेक्टर एम और ये आपका यहाँ पर वेक्टर बी, ये एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, सो देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम और वेक्टर बी ये एक दूसरे को क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर टॉपिक, ठीक है, ये हुआ हमारा टॉपिक यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमको लेना है बायोट सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये लॉ के बारे में अभी हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप एक वायर लीजिए जिसका शेप आर्बिटरी है। ठीक है, ऐसा एक वायर लीजिए जो आर्बिटरी शेप हो, ठीक है, जिगजैग मैनर में, ठीक है, और उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो आपने लेना है आई। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं,
यहाँ पर मैं सबसे पहले ये लॉ के फॉर्मूलेज बताने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट जो है आर्बिटरी शेप वायर जो है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आर्बिटरी शेप का वायर हमने ले लिया। ठीक है, अब ये आर्बिटरी शेप का वायर ले लिया आपने यहाँ पर, यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। ये जो मैं जितना पार्ट कलर कर रहा हूँ ये एक छोटा सा वेक्टर एलिमेंट है और इस एलिमेंट को आपने नाम देना है डीएल। ठीक है, अब ये डीएल एलिमेंट आपने एक नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका वायर है, ये जो आपका वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हमने एक आर्बिटरी शेप वायर लिया। ठीक है, जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंसीडर एन आर्बिटरीली शेप्ड वायर। ठीक है, ये आपने आर्बिटरी शेप वायर लिया। ठीक है, कैरिंग और इसमें कितना करंट है बताइए, इसमें करंट है I। ठीक है, कितना करंट है इस आर्बिटरी शेप वायर में या जिगजैग टाइप के वायर में, कितना करंट है, I करंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, मतलब इस वायर का छोटा सा लेंथ पार्ट लिया है हमने, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट DL ये इतना बी दी लेंथ एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, लेंथ एलिमेंट है अलोंग दी वायर। ठीक है, वायर के अलोंग हमने ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है डीएल, इसमें जो करंट होगा, the current in the element is in the direction of length of vector dl। ठीक है, मतलब कि इस dl का जो direction होगा वही डायरेक्शन इसमें से जाने वाले करंट का होगा। मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये जो एलिमेंट आपने लिया वायर का, लेट द करंट इन दिस एलिमेंट, इसमें से जाने वाला करंट या इसमें जो करंट प्रेजेंट होगा, द करंट इन दिस एलिमेंट डीएल, ठीक है, इज इन दी, ये किसके डायरेक्शन में है, इज इन दी डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर डीएल। ठीक है, मतलब कि ये डीएल जो आपने एलिमेंट लिया है इसका जो वेक्टर पोजीशन होगा उसके डायरेक्शन में इसमें से जाने वाला करंट होगा। ठीक है, अब विच प्रोड्यूसेस, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, विच प्रोड्यूसेस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर ये करंट एलिमेंट यहाँ पर शो करें लाइक दिस। ठीक है, और फिर यहाँ से डीएल एलिमेंट से एक पॉइंट ले लीजिए पी, ये पी पॉइंट आपने ले लिया जो कि आर डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ पे आप ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिए यहाँ पर, ये डी बी, ये इस लेंथ एलिमेंट की वजह से है जो आप यहाँ पर लेंगे, और जो करंट एलिमेंट है यहाँ पर, इतने इस एलिमेंट में से जाने वाला जो करंट है वो करंट एलिमेंट होगा आपका आई
dl, ठीक है, और फिर इन लाइंस को आप ऐसा डॉटेड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और यहां पे ये जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज योर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने ये पॉइंट लिया P, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है P, ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, कहां से, एलिमेंट DL यानी वायर का जो छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट से R डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अभी हम ऐसे लिखेंगे कि कंसीडर ए पॉइंट, लेट ए पॉइंट पी बी एट डिस्टेंस आर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे कहां से, फ्रॉम लेंथ एलिमेंट डीएल, ठीक है, लेंथ एलिमेंट डीएल से ये जो पी पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये जो पी पॉइंट जो है ये कितने डिस्टेंस पे है बताइए, पी पॉइंट ये लेंथ एलिमेंट से डीएल डिस्टेंस पे है, ऐसा अभी हमने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी इस पॉइंट पी का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, नाउ अब हमें यहां पर हमने एक पॉइंट पी लिया जो कि इस वायर का छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है डीएल, यहां से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पी का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा यहां पर, यानी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, बाय इंटीग्रेटिंग, आपको यहां पे इंटीग्रेशन करना होगा, बाय इंटीग्रेटिंग क्या इंटीग्रेट करेंगे आप, यहां पर ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इंटीग्रेटिंग एंड समिंग मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट डीएल, ठीक है, इस लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसका एवरेज अभी हमें यहां पर लेना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमें डीबी कितना है ये पता होना चाहिए, तभी हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर अभी हम क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका डीबी, ये किसकी वजह से है, प्रोड्यूस्ड बाय करंट आई, और ये करंट आई किसमें जा रहा है, लेंथ एलिमेंट डीएल में, प्रोड्यूस्ड बाय करंट आई इन द लेंथ एलिमेंट डीएल इज, ये क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर आपके पास में रहेगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में यहां पर आर स्क्वायर, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी, बट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो है dB ये बहुत सारी हो सकती है ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, इसीलिए हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन लिखा इसमें ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है थीटा, ये जो थीटा जो है ये किसके बीच का एंगल है,
थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r, यानी लेंथ एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का, ये लेंथ एलिमेंट का वेक्टर और ये पोजीशन एलिमेंट का वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनके बीच का एंगल है आपका थीटा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये जो म्यू नॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है बताइए? दिस इज योर परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसमें ये जो म्यू नॉट है ये क्या है? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसका वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आपका परमीएबिलिटी है जो इस रिलेशन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो dl क्रॉस r है, यानी लेंथ एलिमेंट का वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, ये जो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपको किसका डायरेक्शन देता है? वो आपको डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड dB का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ये लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dB इज dictated by cross product of vector element dl और position vector r, इन दोनों का जो cross product है वो आपको क्या देगा? और dB यानी magnetic field at point P का डायरेक्शन शो करेगा। और फाइनली अगर ऐसा है तो हम फाइनली वेक्टोरिकल फॉर्म में ये रिलेशन कैसा लिखेंगे? फाइनली वेक्टोरिकली आपका ये रिलेशन कैसा होगा? वेक्टर dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π × यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है I dl sin थीटा अपॉन में यहाँ पर r स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे dl क्रॉस r लाना है तो यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे अगर r से मल्टीप्लाई किया तो नीचे में r से डिवाइड करना होगा ताकि इक्वेशन में चेंजेस नहीं आए। फिर यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4π i, यहाँ पर आएगा ये r सामने में लिखा r dl sin थीटा, ठीक है, और अपॉन में r स्क्वायर इनटू r, यानी क्या होगा? r क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पर r dl sin थीटा आया, तो यानी ये क्या हो गया? म्यू नॉट 4π, यहाँ पर ये i r dl sin थीटा, यानी आप इसको dl क्रॉस r लिख सकते हैं, अपॉन में यहाँ पर r क्यूब। और फाइनली आपका ये रिलेशन बनेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं बायोट्स सैवर्स लॉ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इट रिप्रेजेंट्स बायोट सैवर्स लॉ, ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हुआ हमारा टॉपिक बायोट सैवर्स लॉ के बारे में।